हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ योर विनीता मैम. बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसका नाम है लॉबरी डी ब्रॉयन वैन एंकिंस्टीन रीअरेंजमेंट. है ना, इजी नाम है ना ये. बेटा, बायोमोलिक्यूल्स का एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है. बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, उसका रीअरेंजमेंट है. नाम इसका बहुत बड़ा है बट रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी है. ये बहुत ही इजी वे में समझाने जा रही हूँ, है ना. नाम देख करके बच्चे क्या करते हैं, भाग जाते हैं. उन्हें लगता है कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट सी रिएक्शन होगी, बट ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. फटाफट से इसको समझा रही हूँ और इसको जल्दी से समझ करके नोट कर लेना, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, जैसा कि नाम में तुम्हें दिख रहा है रीअरेंजमेंट है, तो ये किसका रीअरेंजमेंट है वो समझना है, ठीक. तो इस रीअरेंजमेंट बेटा, ग्लूकोज जो है वो रीअरेंज होता है. ग्लूकोज को रीअरेंज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, मतलब NaOH ले लो, बेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है. और रीअरेंज होकर के ये क्या बनाता है वो समझना है, ठीक है. तो यहाँ पर समझो, ग्लूकोज, पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं कि इस रीअरेंजमेंट में ग्लूकोज जो है वो रीअरेंज हो करके यहाँ लेते हो बेटा डी ग्लूकोज, ठीक है. डी ग्लूकोज क्या होता है वो मैं भी स्ट्रक्चर से तुम्हें समझाऊंगी. डी ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है डी फ्रक्टोज में, ठीक है. और क्या कह सकते हो, या तो डी फ्रक्टोज बना देगा और ये कन्वर्ट होगा डी मैनोज में, ठीक है. तो पहले सिंपल सी बात तो ये समझ लो कि ये रीअरेंजमेंट तुमसे क्या कहता है, रीअरेंजमेंट होगा ग्लूकोज का फ्रक्टोज में या मैनोज में, ठीक है. क्लियर हो गई बात ये. अब ये रीअरेंजमेंट होता कैसे है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज और मैनोज का स्ट्रक्चर क्या तुम्हें पता है, सही से पता है. देखो, तीनों की अगर बात करो तो तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम तुम्हें दिखेगा, C6H12O6, है ना. फ्रक्टोज का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यही होगा, C6H12O6. मैनोज का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यही होता है, C6H12O6. अब देखो, तीनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो तुम क्या एग्जैक्टली पहचानते हो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, मैनोज क्या होता है. तो इस रीअरेंजमेंट से पहले मैं तुम्हें इनका तीनों का स्ट्रक्चर, तीनों का फॉर्मूला तो मैं क्लियर कर देती हूँ. तीनों में कौन सा ग्रुप होता है और किस पर्टिकुलर कार्बन पे इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है. तो सबसे पहली चीज तुम ये समझोगे, ठीक. तो चलो देखो, पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज में पहली चीज ये समझ लो, इसमें ग्रुप होता है एल्डिहाइड, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप होगा. सेकेंड कार्बन पे OH को तुम्हें रखना है राइट हैंड साइड, ठीक है. थर्ड कार्बन पे OH को रखना है लेफ्ट हैंड साइड. फोर्थ कार्बन पे बेटा तुम्हें OH को रखना है राइट हैंड साइड. ध्यान से इसको रखना, नहीं तो कंपाउंड चेंज हो जाता है, ठीक है. फिफ्थ कार्बन पे आ जाओ. फिफ्थ कार्बन कॉन्फिग्रेशन बताता है बेटा, अगर फिफ्थ कार्बन पे OH को राइट हैंड साइड रखते हो तो ये डी कॉन्फिगरेशन होता है, ठीक है. डी ग्लूकोज कहा जाता है, अगर लेफ्ट कर दोगे तो एल ग्लूकोज हो जाएगा. एंड सिक्स कार्बन CH2OH, ठीक है. अब ये जो है C6H12O6 है, ठीक है. और इसमें तुमने क्या रखा, एल्डिहाइड ग्रुप रखा. ग्लूकोज का फॉर्मूला कंफर्म करने के लिए देखो क्या क्या चीजें तुम्हें देखनी है. एल्डिहाइड ग्रुप होगा और सेकेंड कार्बन को बड़े ध्यान से देखना है और तुम्हें फोर्थ कार्बन को ध्यान से देखना है ना. सेकेंड और फोर्थ पे OH राइट हैंड साइड पर ही होना चाहिए, तभी ये ग्लूकोज होगा. क्लियर. अब देखो, अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये देखो CHO एल्डिहाइड ग्रुप रखा, सेकेंड कार्बन पे OH को लेफ्ट हैंड साइड कर दो, थर्ड कार्बन पे जैसा था इसमें लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रखो, फोर्थ पे राइट हैंड साइड रखो, फिफ्थ पे अगर OH राइट हैंड साइड रखते हो तो डी कॉन्फिग्रेशन होगा, और सिक्स्थ में क्या लेना है CH2OH, ठीक है.
अब देखो ये भी स्ट्रक्चर तुम्हें ग्लूकोज जैसा ही दिख रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर इसका भी तुम चेक करोगे तो C6H12O6 है, ठीक है। दोनों जो हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप है, इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस कहते हो, लेकिन ये दोनों ग्लूकोज नहीं है। देखो किस कार्बन पे डिफरेंस आया, सेकेंड कार्बन पे, देख रहे हो सेकेंड कार्बन पे क्या डिफरेंस आया, इसमें OH राइट हैंड साइड पे है ना, OH राइट हैंड साइड पे है तो ये ग्लूकोज है, अगर सेकेंड पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया तो ये हो जाता है बेटा मैनोज, और ये कौन सा मैनोज है, डी मैनोज, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे OH कहाँ रखा है हमने, राइट हैंड साइड पे, तो ये हो गया डी मैनोज। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया डी मैनोज, ठीक है। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, बट डिफरेंस किस में था, किसी एक कार्बन पे, है ना, किसी एक कार्बन पे एच एन ओ एच कॉन्फिगरेशन चेंज था, एच एन ओ एच का डिफरेंस था, ठीक। तो दोनों का स्ट्रक्चर कायदे से समझ लो अच्छे से। अब देखो एक और फॉर्मूला दे रही हूं मैं, C6H12O6, ठीक है। अब मैं ये फ्रक्टोज बनाने जा रही हूँ, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो बेटा क्या होता है, CH2OH, है ना, इसमें कीटोन ग्रुप होता है, देखो कीटोन होता है, एल्डिहाइड नहीं होता, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हो इसे, ठीक है। थर्ड कार्बन पे OH को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे, फोर्थ कार्बन पे OH को राइट हैंड साइड रखोगे, फिफ्थ कार्बन पे OH को राइट हैंड साइड अगर रखते हो तो ये डी फ्रक्टोज होगा, है ना, फिफ्थ कार्बन पे OH को लेफ्ट हैंड साइड रख दोगे तो ये एल फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक, और ये तुम्हारा CH2OH, सिक्स्थ कार्बन CH2OH। अब देखो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, समझ रहे हो, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, बट डिफरेंस क्या है, फ्रक्टोज को अगर कंपेयर करोगे ग्लूकोज और मैनोज से तो फंक्शनल ग्रुप का भी डिफरेंस है, उसमें कीटोन है और इन दोनों में क्या है, एल्डिहाइड है, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज कहते हो इसको, और ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज। क्लियर है फॉर्मूला, है ना, देखो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। अभी रीअरेंजमेंट अगर करोगे तो तुम्हें मालूम तो होना चाहिए ना किस कार्बन पे क्या चेंज हो रहा है, क्लियर। तो देखो ये हो गए, अब कन्वर्जन जो होगा किसका कन्वर्जन होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करोगे किस में, मैनोज में और फ्रक्टोज में, ठीक है, और ये कन्वर्जन किसके प्रेजेंस में होगा, बेस के प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, अल्कली के प्रेजेंस में होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, फ्रक्टोज में होगा या मैनोज में, क्लियर है ये बात। अब चलो देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहां पर मैं फिर से स्ट्रक्चर ले लूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बेटा यहाँ पे खोल दो, एल्डिहाइड को कार्बोनिल ग्रुप है ये, ठीक है, और सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड पे, H है लेफ्ट हैंड साइड पे, थर्ड कार्बन पे OH को लेफ्ट रखो, अब चाहो तुम तो इसको बाकी जो CHOH है उनका कोई यूज नहीं होना है इसमें, थ्री टाइम्स ये CHOH आएगा, इसको ऐसे रख लिया और लास्ट में CH2OH, समझ रहे हो, ये देखो ये क्या किया हमने, इसको ओपन कर लिया और 1, 2, 3 CHOH है, इसको एक साथ लिख लिया क्योंकि अभी इस रीअरेंजमेंट में इनका कोई काम नहीं है, तो इसलिए इनको हमने एक साथ ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब देखो अल्कली जब लेते हो बेटा, बेस NaOH ले सकते हो, इसका मैं आयन ले रही हूँ OH माइनस आयन, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, क्लियर। तो देखो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो तुम, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसके बगल में अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड डोनेट कर देगा, ये तुम्हें पता है कि कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, बेस के प्रेजेंस में एच प्लस आयन देता है, तो यहां से बेटा जो एच प्लस आयन निकलेगा वो एच प्लस आयन इस OH माइनस के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगा, वाटर बना देगा, तो यहां से तुम वाटर निकाल दो और फाइनली अभी हमारे पास क्या बचा, ये है CH और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये देखो H तो अब नहीं है इसके पास, क्या हो गया ये C और OH, ठीक है, और नीचे CHOH थ्री टाइम्स है एज इट इज एंड लास्ट CH2OH,
ठीक है, अब देखो ये क्या बना है, ये हो गया है इनॉल। ठीक है, इससे पहले तुम क्या करो, इनॉल से पहले इसको तुम वाटर से रिएक्ट करा दो। यहाँ जो वाटर निकला है, तुम चाहो तो यही वाटर ले सकते हो, H प्लस आयन ओ एच माइनस आयन। ये H प्लस आयन बेटा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया, सी एच है और O के पास आ गया H, और यहाँ डबल बॉन्ड है C और ये है ओ एच और ये है सी एच ओ एच। कितने टाइम्स है ये, थ्री टाइम्स, और लास्ट में सी एच टू ओ एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ओ एच है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास क्या है, ओ एच है, तो इसे तुम क्या कहते हो, इनॉल। ये क्या हो गया, इनॉल, और इनॉल जो है बेटा वो होता है लेस स्टेबल। ये क्या होता है, लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। बस यहीं पे इसकी स्टेबिलिटी की वजह से इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो अब देखो इनॉल के बारे में अगर तुमने पढ़ा हुआ है, रीअरेंजमेंट पढ़ा हुआ है, तो इनॉल जो है वो कीटो, अगर नॉन टर्मिनल कार्बन पे इनॉल बनता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और अगर टर्मिनल पे इनॉल बनता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इनॉल, ये कार्बन देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ OH है, ये भी इनॉल है, और ये कार्बन इसके पास भी OH है, ये भी इनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन बचते हैं, या तो ये एल्डिहाइड में वापस कन्वर्ट होगा या ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो अगर कीटोन में कन्वर्ट होगा तो चलो इसे मैं रीअरेंज टॉटोमेरिज्म करके दिखाती हूँ इसका। देखो ये जो बना स्ट्रक्चर OH, H था, डबल बॉन्ड था COH, CHOH, कितने टाइम्स लेना है, थ्री टाइम्स ले लो और CH2OH, ठीक है। तो अब यहाँ से ये दो तरह से कन्वर्ट हो सकता है, कैसे कैसे करोगे इसे, देखो ये देखो, अगर तुम इसे इस इनॉल का टॉटोमेरिज्म करते हो तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म लिख लेना, टॉटोमेरिज्म ठीक है, अभी मैं इसका टॉटोमेरिज्म करने जा रही हूँ। तो देखो क्या होगा, ये जो H प्लस आयन है वापस इसको देना, ये देखो ये H प्लस आयन यहाँ आएगा, ठीक है, ये H प्लस आयन आकर के पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा और इसका जो लोन पेयर है वो आ जाएगा कहाँ पे, इसके पास डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये H प्लस आयन आकर के इसके साथ जुड़ेगा और इसके कॉन्फिगरेशन को चेंज कर देगा। कैसे करेगा, यहाँ देखो ये कर लिया CHOH, जैसे ये अटैक करेगा इस कार्बन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा चेंज, OH आ जाएगा इस साइड और H आ जाएगा इस साइड, और CHOH एज इट इज रखा थ्री टाइम्स एंड CH2OH, ठीक है। तो देखो सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ये कन्वर्ट हो गया किस में, मैनोज में, ये बन गया तुम्हारा डी मैनोज, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनॉल, देखो ये भी है इनॉल, समझ लो ये भी इनॉल है, नॉन टर्मिनल पे है, इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो देखो ये H प्लस आयन जाएगा पाई बॉन्ड पे और इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लियर, जैसे ये H प्लस आयन पाई बॉन्ड पे अटैक करके इसके साथ जुड़ता था, यहाँ पर ये अटैक करेगा इस पे और इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखो अगर इस कार्बन के साथ जुड़ता है तो एक H इसके पास पहले से है, ठीक है, ये देखो सी एच था इसके पास पहले से और एक एच और आ गया सी एच टू और ओ के पास एच है, अब ये ओ एच रहेगा, यहाँ से टॉटोमेरिज्म नहीं कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो, तो इसको एच को नहीं हटाना है तुम्हें, ठीक है, ये ओ एच रहेगा, ये वाला एच जा रहा है यहाँ पर, तो सी एच के साथ सी एच टू हो गया। अब देखो जब एच प्लस आयन यहाँ से निकालोगे तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, देख रहे हो, ध्यान से समझना, बाकी सी एच ओ एच कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स है एज इट इज रहेगा और सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन गया, देखो कीटोन ग्रुप आ गया तो ये क्या बन गया, डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रीअरेंजमेंट जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है डी मैनोज और डी फ्रक्टोज में। सिंपल सी रिएक्शन है, ईजी है रिएक्शन, सिर्फ तुम्हें क्या देना है,
एक्वस सॉल्यूशन ले लेना तुम इसका, किसका, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन लेना, उसमें बस डाइल्यूट अल्कली दे देना, ठीक है, बेस दे देना NaOH, NaOH के प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में ये इनॉल बनाएगा, और इनॉल का दो तरीके से टॉटोमेरिज्म होगा इसका, एक टॉटोमेरिज्म होगा क्योंकि दो टाइप के इनॉल इसमें बन रहे ना, देख रहे थे तुम, दो तरह के इनॉल बन रहे थे, एक प्राइमरी पे मतलब एक टर्मिनल कार्बन पे और एक नॉन टर्मिनल पे, तो तुम्हें पता है कि जब भी टर्मिनल पे इनॉल बनेगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में, जब एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस में कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो एच और ओ एच की पोजिशन चेंज हो जाएगी सेकेंड कार्बन पे। और अगर नॉन टर्मिनल पे इनॉल बनता है तो वो भी लेस स्टेबल है, नॉन टर्मिनल का इनॉल जो है वो टॉटोमेरिज्म के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में, इनॉल फॉर्म हमेशा लेस स्टेबल होता है, इसलिए जल्दी ही उसका टॉटोमेरिज्म हो जाता है, मोर स्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तुम्हारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना, इजिली समझ में आ गया, लॉबरी डी ब्रोइन वैन एकेंस्टीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, नाम बड़ा है बट रिएक्शन सिंपल सी छोटी सी है, ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।